फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल एनएसटी। आज हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन म्यूटेशन कैसे करते हैं ज़मीन का, लेकिन इससे पहले कि कैसे करते हैं ये जाने, उससे पहले ये जान लें कि ज़मीन के बारे में, पूरा ज़मीन के बारे में जानकारी पहले कर लें। लेकिन अगर इसका जानकारी नहीं है तो फिर इस वीडियो को ना ही देखें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। क्योंकि अगर एक बार अप्लाई कर देते हैं किसी ज़मीन का ऑनलाइन म्यूटेशन में, तो वो रिजेक्ट होने में बहुत ही दिक्कत होता है। इसीलिए अगर आपको खाता, खेसरा, रकबा, ये सब अगर जानकारी नहीं है तो ये सब छोड़ दें। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में हम लोग लिखेंगे क्या, LRC यहाँ लिखेंगे हम लोग lrc.bih.nic.। ये जो हम लोग ऑनलाइन म्यूटेशन देख रहे हैं ये बिहार के लिए, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग किसका देख रहे हैं, तो बिहार जिले का दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं lrc.bih.nic.in में। इसमें यहाँ देखिएगा एक ऑप्शन आता है ऑनलाइन म्यूटेशन, ऊपर में राइट साइड कॉर्नर में देखिए ऑनलाइन म्यूटेशन, वहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर बिहार म्यूटेशन का जो पोर्टल है वो खुल गया। उसके बाद लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखिए वहाँ लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन, उस ऑनलाइन आवेदन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिएगा एक पैनल खुलता है, लॉगिन पैनल, जहाँ पर हम लोग अगर मेरा पहले से क्रिएट किया हुआ है ID तो हम इसमें डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ID नहीं है म्यूटेशन करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन का नहीं होता है। चलते हैं पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। पहले क्या होता है, वहाँ पर हम लोग को डिटेल भरना पड़ेगा। पहले क्या, नेम, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जो पासवर्ड पहले दिए वही फिर दोबारा पासवर्ड दीजिए। उसके बाद जितना भी एड्रेस है ऊपर से नीचे पूरा एड्रेस को फिल कीजिए, अपना एड्रेस पिन कोड के साथ, और जो नीचे राइट साइड में जो कैप्चा दिया है वो लेफ्ट साइड में एंटर करके रजिस्टर नाउ पे कीजिए। जब रजिस्टर नाउ करेंगे तो मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वो OTP को उसमें डाल के और ओके कर देना है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आपका ID क्रिएट हो जाएगा ऑनलाइन म्यूटेशन पोर्टल में। आगे बढ़ते हैं, जैसे मेरा तो पहले से रजिस्टर किया हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट लॉगिन करते हैं। हम अपना ईमेल आईडी पे लॉगिन कर रहे हैं, आईडी से लॉगिन कर रहे हैं और पासवर्ड दे रहे हैं और कैप्चे भी। कैप्शन जैसे ही लॉगिन करते हैं तो यहाँ दिखा रहा है आपका यूज़र डिटेल, जो रजिस्ट्रेशन के समय हम दिए थे वो टोटल रजिस्ट्रेशन इस साइड ऊपर में यूज़र डिटेल के तौर पे टोटल दिखाएगा। उसके बाद नीचे में दिखाएगा ऑनलाइन म्यूटेशन। ऑनलाइन म्यूटेशन करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करने पड़ेगा क्या, डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए किशनगंज, उसके बाद सर्कल मतलब ब्लॉक, किस ब्लॉक से हमको अप्लाई करना है, तो हम लोग किए किशनगंज सदर मेन ब्लॉक से। उसके बाद यहाँ दो ऑप्शन आता है, व्यू ड्राफ्ट एंड अप्लाई न्यू म्यूटेशन। व्यू ड्राफ्ट से क्या होगा, जो पहले जो हम अप्लाई कर चुके हैं वो वहाँ पर दिखेगा। अगर न्यू करना है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है, वहाँ पर म्यूटेशन इनिशिएशन टाइप होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे ऑन एप्लीकेशन। जैसे ही ऑन एप्लीकेशन से खुलेगा तो देखेगा कि एक फॉर्म खुलेगा एप्लीकेंट डिटेल में, मतलब जो अप्लाई कर रहा है उसका टोटल डिटेल। उसमें हम लोग सबसे पहला यहाँ क्या ऑप्शन आता है, नेम का। तो वहाँ जो ज़मीन खरीद रहा है, जो अप्लाई कर रहा है वहाँ पर, उसका नाम देंगे, फादर हस्बैंड उसका फादर नेम देंगे और रिलेशन में उसका फादर दे देंगे। उसके बाद केस ईयर, किस साल हम अप्लाई कर रहे हैं, तो 2021। ज़मीन किसी वक्त भी रजिस्ट्री किया हो वो मतलब नहीं करता है, जिस साल हम म्यूटेशन कर रहे हैं उस साल का हमको केस ईयर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आता है एड्रेस, जो पार्टी अप्लाई कर रहा है उसका पूरा क्या होगा, एड्रेस फिलअप करना होगा। देखिएगा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन कोड है, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। वहाँ एक और ऑप्शन आता है सबसे नीचे आके देखिएगा तो म्यूटेशन टाइप, कि किस तरह का ज़मीन है, क्या ये खरीद बिक्री ज़मीन होगा तो कहाँ, सेल एंड परचेज में, एक्सचेंज है कि कहीं किसी ज़मीन के बदले कि कोई और ज़मीन दिया है उस तरह का म्यूटेशन अलग होता है। गिफ्ट तरीके का मतलब अगर किसी को गिफ्ट दिया गया ज़मीन है बिना पैसे का तो उसका अलग म्यूटेशन होता है। सक्सेशन मतलब बाप दादा का ज़मीन हमको मिल रहा है तो उस तरह का अलग म्यूटेशन, तो उसका हर एक तरह का यहाँ पर म्यूटेशन का टाइप दिया हुआ है। जैसे हमको खरीद बिक्री का ज़मीन है तो हम सबसे पहला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एड्रेस का ये आता है कि एड्रेस फिलअप करना होगा साइड में।
तो अपना एप्लीकेंट का टोटल, एप्लीकेंट का एड्रेस टोटल फिलअप करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट नीचे देखिएगा ऑप्शन है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे कि हम अभी पूरा फिलअप नहीं किए तो आगे का डिटेल नहीं आता है, तो उसके बाद जैसे कि हम पहले बता चुके हैं पहले इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है ज़मीन का, तो इसके बाद का प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि आया उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्या, डॉक्यूमेंट डिटेल। डॉक्यूमेंट डिटेल में उसका डीड नंबर, वो कब रजिस्टर हुआ, रजिस्ट्री कब हुआ, उसका प्राइस वैल्यू क्या था खरीदने वक्त ज़मीन का, वो देना होगा। उसके बाद आता है बायर डिटेल कि उस ज़मीन को कौन कौन खरीदा, उसमें टोटल को फिलअप करना होगा। उसके बाद आता है सेलर डिटेल, मतलब किसने ज़मीन बेचा है उसका सारा डिटेल, अगर चार सेलर है तो चार सेलर का देना होगा, अगर चार बायर है तो चारों बायर का वहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद आता है पांचवा स्टेप में क्या है, प्लॉट डिटेल, कि प्लॉट का टोटल डिटेल, मतलब प्लॉट किस खाता खेसरा में है, कितना खाता है उसका, कितना खेसरा है, कितना रकबा है, मतलब कितना डिसमिल का ज़मीन है, ये टोटल के बाद उसका चौहद्दी कितना है, मतलब कि चारों तरफ का किस किस साइड कौन सा ज़मीन है, किसका ज़मीन है, वो टोटल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आखिरी स्टेप आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें क्या करना होगा, अपना केवाला को, अगर दर केवाला हो, मतलब पहले का जो केवाला नहीं अगर मोटेशन किया हो तो उसका जेरोक्स, उसके बाद अपना आधार कार्ड, ये सब टोटल डॉक्यूमेंट को लगाने के बाद इसको टोटल को अपलोड कर देना है। ये ध्यान रखना है कि अपलोडिंग जो होगा वो 2 MB से कम हो जाना चाहिए और ये PDF में होना चाहिए। उसके बाद कैप्चे कोड देंगे, कैप्चे कोड करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन आएगा सबमिट का, तो उस सबमिट बटन को हम लोग प्रेस कर देंगे। उसके बाद ये हम लोग का मोटेशन क्लियर हो गया और नीचे में आएगा प्रिंट डिटेल। जब हम वहाँ प्रिंट डिटेल में करेंगे तो जो मोटेशन हम जो किए हैं अभी अप्लाई किए हैं उसका टोटल डिटेल उसमें प्रिंट कर सकते हैं। उस प्रिंट डिटेल को हम लोग कर्मचारी को देना पड़ेगा, उसके बाद वो कर्मचारी उसको फॉरवर्ड करेगा, जो करेगा वो फिर उसके बाद उनका प्रोसेस है। बाद में जब वो मोटेशन क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग अपना दूसरे तरीका हम फिर वीडियो बनाएंगे, कैसे वो सब देखते हैं, वो टोटल वीडियो हम अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ है तो नीचे दिए गए लिंक सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें और लाइक बटन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू।